बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। मोहम्मद वाजिद आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हमारा ये नौवां लेक्चर है और ये आखिरी लेक्चर है स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक, जो हमारी जो सीरीज चल रही है न्यूमेरिकल्स की। न्यूमेरिकल्स शुरू करने से पहले मैं हमेशा की तरह आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता चलूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाजमी लाइक करें। तो नौवां चैप्टर जो हमारे पास है इंतकाल हरारत, ये इम्तहानी नुक्ता निगाह से बहुत ही अहम चैप्टर है। इसमें टोटल दो न्यूमेरिकल हैं और इन दो न्यूमेरिकल में से एक न्यूमेरिकल आप लोगों ने लाजमी करना है और इंशाल्लाह पेपर में एक न्यूमेरिकल लाजमी आ जाएगा। तो इसलिए आप लोगों ने इस चैप्टर को लाजमी हर सूरत में एक दफ़ा देख लेना है। सबसे पहले हम इसके अहम फार्मूले देख लेते हैं कि फार्मूले इसमें कौन कौन से इस्तेमाल हो रहे हैं। क्यू हमारे पास है टी के ए डेल्टा टी ओवर एल, या ये जो टी है दूसरी तरफ जाएगा तो बटे में आ जाएगा, तो क्यू ओवर टी इज इक्वल टू के ए डेल्टा टी ओवर एल आ जाएगा। जबकि हरारत के बहाव की शरह वो बराबर होती है क्यू ओवर टी के बराबर। थर्मल कंडक्टिविटी इसको छोटा के इससे ज़ाहिर किया जाता है और ये बराबर होती है, इसका जो यूनिट है वो डब्ल्यू एम इनवर्स के इनवर्स है। इसमें दो न्यूमेरिकल कौन कौन से शामिल हैं, एक तो नौ शरी एक और दूसरा नौ शरी दो जो हमारे स्मार्ट सिलेबस में। तो पहला न्यूमेरिकल, एक घर की 20 सेंटीमीटर मोटाई की कंक्रीट की छत का एरिया 200 मुरब्बा मीटर है। एक हमारी घर की छत है, उसकी जो 20 सेंटीमीटर मोटाई की कंक्रीट की छत का एरिया कितना है, 220 मुरब्बा मीटर है। घर का अंदरूनी टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड है और बैरूनी टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड है। वो शरह मालूम करें जिससे थर्मल एनर्जी छत से गुजरेगी, जबकि कंक्रीट के लिए के की जो कीमत है वो 0.65 डब्ल्यू एम इनवर्स के इनवर्स है। तो हमें जो चीज़ें मालूम हैं वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, एक तो लेंथ एल इज़ इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, तो इसको हम क्या करेंगे मीटर में तब्दील करेंगे। जब मीटर में तब्दील करेंगे तो इसको 100 पर तकसीम कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी 0.2 मीटर। अब एरिया जो दिया गया है वो कितना दिया है, 200 मुरब्बा मीटर दिया गया है, जबकि टी वन पहला टेम्परेचर जो हमारे पास है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड है। टी वन जो बाहर वाला जो टेम्परेचर होता है कमरे के बाहर वाला वो है 35 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसको हमने क्या करना है, केल्विन में तब्दील करना है, तो केल्विन में तब्दील करने के लिए इसमें 273 को जमा करेंगे तो 35 जमा 273 बराबर आ जाएगा 308 केल्विन। तो टी टू हमारे पास है 15 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसको भी हम केल्विन में तब्दील करेंगे तो 15 जमा 273 ये बराबर आ जाएगा 288 केल्विन के बराबर। अब डेल्टा टी जो टेम्परेचर में फ़र्क आया है तो डेल्टा टी बराबर है टी वन माइनस टी टू, तो 308 माइनस 288 बराबर आ जाएगा 20 केल्विन के। तो डेल्टा टी की जो वैल्यू हमारे पास आई कितनी आई, 20 केल्विन के बराबर आ गई। अब थर्मल कंडक्टिविटी वो बराबर है 0.65 डब्ल्यू एम इनवर्स के इनवर्स। हमने क्या मालूम करना है, हरारती बहाव की शर मालूम करनी है क्यू ओवर टी। तो क्यू ओवर टी का फार्मूला है के ए एन टू टी वन माइनस टी टू बटा एल, या इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं के इन टू ए इन टू डेल्टा टी ओवर एल। तो जहाँ पर के है वहाँ पर उसकी कीमत आ जाएगी 0.65, जहाँ पर एरिया है वहाँ पर आपने क्या करना है उसकी कीमत दर्ज कर देनी है 200, जबकि डेल्टा टी की जगह पर उसकी कीमत आ जाएगी 20। अब जो शुमार कुनिंदा वाले हैं वो हमारे पास 0.65, 200 और 20 आ गया।
जबकि एल की जगह पर इसकी कीमत आ जाएगी 0.2 आ जाएगी। अब क्या करना है आप लोगों ने, ऊपर वाले जो है शुमार कुनिंदा वाले, इनको आपने सबको मल्टीप्लाई कर देना है और 0.2 पर तकसीम कर देना है। तो हरारती बहाव की जो शरह हमारे पास आ जाएगी वो बराबर आ जाएगी 13,000 जौल एस इनवर्स। इसके बाद हम दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं। 2.5 जरबे 2 मीटर पर मैच के गिलास की खिड़की में से 1 घंटा में कितनी हरारत ज़ाया होगी। अब हमारे पास जो एरिया दिया गया वो 2.5 जरबे 2 मीटर एक गिलास की खिड़की है, उसमें से कितनी हरारत जाएगी, जबकि अंदरूनी टेम्परेचर 25 डिग्री है और बैरूनी टेम्परेचर हमारे पास है 5 डिग्री सेंटीग्रेड। गिलास की मोटाई 0.8 सेंटीमीटर है। गिलास के लिए जो कोफिशिएंट के की कीमत है वो कितनी है, 0.8 WM इनवर्स K इनवर्स। अब टाइम यहाँ पर कितना दिया गया है, 1 घंटा दिया गया है, तो इसको हमने क्या करना है, सेकेंडों में तब्दील करना है। तो 1 घंटा 60 मिनट के बराबर होता है और 1 मिनट कितने के बराबर होता है, 60 सेकेंड के बराबर। तो इस तरह 1 घंटा हमारे पास आ जाएगा 3600 सेकेंड के बराबर। एरिया हमें दिया गया है 2 जरबे 2.5, तो ये बराबर आ जाएगा 5 मुरबा मीटर। एल हमारे पास है 0.8 जो शीशे की मोटाई है गिलास की, वो कितनी है, 0.8 सेंटीमीटर। इसको हमने क्या करना है, मीटर में तब्दील करना है। तो मीटर में तब्दील करने के लिए 100 पर तकसीम करेंगे, हमारे पास आ जाएगा ये 0.008 मीटर। तो अब यहाँ पर T1 हमारे पास है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसको हम क्या करेंगे, केल्विन में तब्दील करेंगे। केल्विन में तब्दील करने के लिए इसमें 273 जमा कर देंगे, तो 25 जमा 273 ये बराबर आ जाएगा 298 केल्विन। इसी तरह T2 हमारे पास है 5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसमें भी 273 जमा कर देंगे, तो 278 हमारे पास आ जाएगा केल्विन में। तो डेल्टा T बराबर होता है T1 माइनस T2, तो 298 माइनस 278 ये बराबर आ जाएगा 20 केल्विन के। अब थर्मल कंडक्टिविटी वो हमें कितनी दी गई है, 0.8 WM इनवर्स K इनवर्स। तो हमने मरूम क्या करना है, क्यों मरूम करना है, हरारत मरूम करनी है। अब यहाँ पर हमारे पास फार्मूला है Q/T = KA × T1 − T2/L। इसमें कीमतें आप दर्ज कर दें, ये जो बटे में टी है ये दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर टी है वहाँ पर आपने 3600 दर्ज कर देना है, जहाँ पर के है वहाँ पर 0.8 दर्ज कर देना है, और जहाँ पर एरिया दिया गया है ए वहाँ पर आपने 5 दर्ज कर देना है। जबकि डेल्टा टी हमारे पास कितना है, 20 है, तो वहाँ पर आपने 20 दर्ज कर देना है। और एल की जगह पर हमारे पास आ जाएगा 0.08, तो इसको हम क्या करेंगे, मुक्सर करेंगे, जो शुमार कुनिंदा वाले हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको हम क्या करेंगे, 0.08 पे तकसीम कर देंगे। तो हमारे पास इसका जवाब आ जाएगा 3.6 × 10⁻⁷ जौल के बराबर। ये थे हमारे आज के न्यूमेरिकल्स जो हमारे स्मार्ट सिलेबस में 9वें चैप्टर में से आने हैं। तो ये इम्तहानी नुक्ते निगाह से न्यूमेरिकल बहुत अहम है, इनको आपने लाजमी प्रैक्टिस करना है, क्योंकि मैथ हो चाहे फिज़िक्स हो ये सिर्फ प्रैक्टिस से आती है, इसको बार बार आप हल करें। उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आएगी, अगर आपको वीडियो को पसंद आए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाजमी लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर करें। वस्सलाम।